एक्शन में योगी सरकार, 14 दिनों में होगा गन्ना किसानों का भुगतान। 487 रुपए प्रति क्विंटल पर किसानों से खरीदा जाएगा आलू। जिलों में खुलेंगे आलू खरीद केंद्र। उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था सुधारने पर योगी सरकार का रोड मैप। बिजली बिल पर सरचार्ज माफ, गांव देहातों में 18 घंटे मिलेगी बिजली। तहसीलों और बुंदेलखंड में दी 20 घंटे बिजली देने की योजना। होटलों और रेस्टोरेंट्स में खाने की बर्बादी पर लगेगी रोक, सरकार बनाएगी नियम। होटल मालिकों से बात करेगी सरकार। जोरदार तेजी के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 213, निफ्टी 56 अंक चढ़कर बंद। निफ्टी बैंक और स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई पर बंद। महाराष्ट्र गुजरात समेत 5 राज्यों में नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम। सुप्रीम कोर्ट ने टाटा पावर और अदानी पावर को बिजली के दाम बढ़ाने से रोका। एप्रिल ने दोनों को दी थी दाम बढ़ाने की इजाजत। अब सिर्फ 4 घंटे में मिलेगा पैन और टैन नंबर। सीबीडीटी ने कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के साथ मिलाया हाथ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए मोदी सरकार का बड़ा कदम। बायो एब्जॉर्बल वेस्कुलर स्टेंट से हार्ट अटैक का खतरा, सीबीएस को ने जारी किया अलर्ट। एबॉट हेल्थ केयर है देश में बीवीएस की सबसे बड़ी सप्लायर, फिलहाल बिक्री पर रोक। कुलभूषण पर पाकिस्तान के फैसले का संसद में कड़ा विरोध, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा फांसी हुई तो भारत पाक रिश्तों पर पड़ेगा बड़ा असर। ईवीएम गड़बड़ी मामले में कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलेंगे विपक्षी दलों के नेता, कल चुनाव आयोग से की थी मुलाकात। और सुप्रीम कोर्ट में पुराने नोट मामले पर गर्मी की छुट्टियों के बाद सुनवाई, कोर्ट ने केंद्र से पूछा था 31 मार्च तक नोट जमा करने की इजाजत क्यों नहीं दी गई।